समाज कल्याण मंत्री माननीय मदन सहनी जी के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों की गई जांच, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पर गिरेगी गाज। जांच के दौरान कई आंगनवाड़ी केंद्र मिले खुले तो कई मिले बंद। आईसीडीएस से संबंधित जिले के पदाधिकारी से पूछी जाएगी स्पष्टीकरण, साथ में होगी बड़ी कार्रवाई। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव, अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं, नंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना, बीते दिन सोमवार को कटिहार जिले के मणिहारी में आंगनवाड़ी केंद्रों को जांच करने खुद पहुंचे समाज कल्याण मंत्री माननीय मदन सहनी जी, साथ में आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय भी। महोदय को क्षेत्र में पहुंचते देख ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। हालांकि जांच के दौरान कई आंगनवाड़ी केंद्र खुले मिले तो कई बंद मिले। इसको लेकर माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा काफी नाराजगी जताई गई और उन्होंने मीडिया में क्या कहा, आइए एक बार सुनते हैं माननीय मंत्री महोदय की जुबानी। आंगनवाड़ी केंद्र है उसका हम लोग जांच करने के लिए आए थे और केंद्र पर हम लोग अभी 7 जगह गए हैं और साथ में विभाग के हमारे जो निदेशक हैं वो भी आए हुए हैं, तो अभी उनसे बात नहीं हुई कि कितने केंद्र का जांच किए हैं, लेकिन लगभग 1 दर्जन जगह पर हम लोग का आज टारगेट था और 7 जगह हम अभी गए हैं। 7 जगह में मात्र 1 जगह हमको बच्चे का उपस्थिति नजर आया, शेष जगह पर या तो बंद थे या बहुत कम बच्चे थे और जहाँ थे भी वहाँ भी स्थिति अनुकूल नहीं नजर आ रहा था, तो ये अच्छा स्थिति नहीं है। इस पर हम लोग विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे स्पष्टीकरण पूछ के कार्रवाई करें। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जहाँ भी कमियाँ हैं वहाँ कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई? कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी और उसमें सुधार भी होगा, दोनों काम। अच्छा, बार बार इस तरीके के शिकायत भी आते हैं आंगनबाड़ी से? शिकायत आता है, इसलिए तो हम लोग इसमें खुद भी आए हैं और मुख्यालय स्तर से सभी जिला में जाकर के जांच करना है और जांच होते हैं, कार्रवाई भी होता है, उसके बावजूद भी जितना हम लोग चाह रहे हैं इसमें सुधार हो उसमें अभी संतोषजनक नहीं है, इसको और हम लोग तेज करेंगे। तो ये जाँच स्तर से जिला स्तर से चलते ही रहते हैं और विभाग में भी हम लोगों ने अभी लगातार सभी जिला में भेजने का काम कर रहे हैं और वहाँ के रिपोर्ट के आधार पर सुधार भी हो रहा है और जहाँ ज़्यादा स्थिति खराब है वहाँ विभाग के पदाधिकारी पर कार्रवाई भी हो रहा है। आज हम लोग कटिहार जिला में आए हैं, अभी फिर हम लोग मुख्यालय में जाकर के जिला का जो DPO ऑफिस है उसका भी हम लोग जाँच करवाएंगे और जितने जांच हुए हैं उसके आधार पर हम लोग संबंधित विभाग के पदाधिकारी पर स्पष्टीकरण पूछ करके उस पर कार्रवाई। तो आप लोगों ने माननीय मंत्री महोदय जी को सुना। माननीय मंत्री महोदय जी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि अभी आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय से वार्ता नहीं हुई है, जैसे ही उनसे वार्ता होती है आईसीडीएस विभाग से संबंधित जिले के पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि आईसीडीएस विभाग अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में सुधार हेतु आईसीडीएस से टीम तैयार कर हर जिले के हर प्रखंड में भेजा जा रहा है, आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच करवाई जा रही है, इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में काफी सुधार हुआ है और भी सुधार की जरूरत है, इसी को लेकर हम खुद आंगनवाड़ी केंद्र विजिट करने के लिए क्षेत्र में निकले हैं। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे उन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों से जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पद पर कार्यरत है और वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा न देकर आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखते हैं। बहन जी, आपके कारण जो काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है उनके भी दामन पर दाग लग रहा है, आप क्यों बदनामी का ठप्पा हम लोगों के ऊपर लगा रही हैं? अगर आप आंगनवाड़ी केंद्र चलाने में अक्षम है तो आप रिजाइन दे दीजिए, कोई दूसरा आंगनवाड़ी सेविका आएगी, वो कार्य करेगी, उनका परिवार का भरण पोषण होगा, उनका जीवन यापन होगा। आपके कारण ये आंगनवाड़ी केंद्र जो है बदनाम है, इतनी मेहनत करने के बाद, सारी कार्यों का निष्पादन करने के बाद, सभी विभागों का कार्यों का निष्पादन करने के बाद अगर ये बदनामी का ठप्पा हमारे सर लगता है तो ये बड़ी शर्म की बात है।
आप 5 घंटे आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं बिता सकती तो क्या कर सकती हैं? इससे बेहतर है कि आप आंगनवाड़ी सेविका पद से सहायिका पद से रिजाइन मार दीजिए। आपके कारण हम लोग बहुत नीचे जा रहे हैं। यही कारण है कि जब भी हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में रोड पर उतरते हैं, पदाधिकारी से बात करते हैं, मंत्री से बात करते हैं, तो ये लोग जो है यही कहते हैं कि आप केंद्र कहाँ चलाती हैं। इसका ताजा उदाहरण आप हैं, जिनके आंगनवाड़ी केंद्र पर कल माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा ICDS निदेशक महोदय के द्वारा केंद्र विजिट किया गया। हम अंत में यही कहना चाहेंगे, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों से मांग अपनी जगह है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अपनी मांगों के समर्थन में हम रोड से कोर्ट तक अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र को बंद नहीं रखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आप लोग समय से आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचे, बच्चों को मेनू के अनुसार अल्पाहार दे, उनको भोजन खिलाए, THR वगैरह है जो है सो करे, पोषण ट्रैकर पर सभी कार्यों का आप निष्पादन करें। हम हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सुचारू रूप से चलाएं, ताकि बदनामी का ठप्पा हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के माथे पर ना लगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।